वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आज मिरर के सामने नाइट ड्रेस में कुछ इस हालत में हूँ, तो आज इस जगह का मेकओवर करने जा रही हूँ। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा, बस आई होप कॉपीराइट ना लगे मुझे। तो बस इस तरीके से आज इस अवतार में पूरा का पूरा मेकओवर करने जा रही हूँ। चलो शुरू करते हैं आज का काम। पीना हो गया है, थोड़ा रिलैक्स करूंगी अभी आधा घंटा घड़ी देख के, क्योंकि अभी बज रहे हैं चार बज चुके हैं और बर्तनों का ढेर भी लग चुका है, बर्तन धोऊंगी। और मेरी किस्मत ऐसी है ना कि आपको क्या ही बताऊं, कुछ दिन पहले एक जने ने बोला था कि मुनमुन जी हेल्पर रख लो, हेल्पर रखी थी मैंने बर्तन वाले के लिए, बर्तन के लिए जब मैं यहाँ आई थी उसके 2 या 3 महीने बाद मैंने हेल्पर रखी थी और वो इतना अच्छा काम कर रही थी अभी परसों तक। मेरी किस्मत में शायद हेल्पर नहीं है, क्योंकि मैं जब भी हेल्पर रखने जाती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब मेरी तरफ से नहीं होता है, उनकी तरफ से हो जाता है। मेरे पास जितनी भी हेल्पर आती हैं बहुत खुश होकर जाती हैं और अभी भी वो खुश होकर ही गई है। जो भी लोग आते हैं मेरे पास तरक्की करने के लिए आता है, तो अभी वो मेरे पास काम कर रही थी, उसकी एज भी कम थी, तो उसको एक अच्छी जगह जॉब मिल गई है एक स्कूल में, तो उसको बर्तन वगैरह अभी उसको इंटरेस्ट नहीं है धोने में और अभी वो वहाँ पर जाती है ड्यूटी करती है इसी वजह से। लेकिन उसने मुझे बोला था कि मैं किसी और को भी भेज देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं भाई, क्योंकि कैसे होता है ना, देखो जब आप एक के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हो, उस सामने वाले को आपका नेचर पता होता है, आपका घर का माहौल पता होता है, आपका रहन सहन पता होता है, थोड़ा बहुत जैसे मैं बर्तनों को लगाती हूँ करती हूँ जो भी चीज़ें हैं, मुझे कैसे बर्तन साफ चाहिए, तो उसको सारी नॉलेज थी। अभी कोई नया आएगा मुझे फिर से उसको ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे मतलब ट्रेन नहीं मतलब बताना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा। और अभी एक्चुअली मेरे पास समय है और थोड़ा सा मैं ठीक हूँ,
और इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी फिलहाल के लिए मैं कोई अभी बाई नहीं रखती हूँ, मतलब हेल्पर नहीं रखती हूँ। और जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अभी हेल्पर चाहिए तो मैं पक्का रखूँगी, और जब मुझसे नहीं होगा, अभी तो देखो मेरा हो रहा है, बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी जैसा आपको पता है, तो इस वजह से मैंने रखी थी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ हैंडल, तो मैं इसलिए अभी कर लूँ। तो चलो अभी 4:05 हो गए बात करते करते, मैं थोड़ा सा आधा घंटा घड़ी देख के आराम करूँगी, फिर जाऊँगी किचन में, बर्तन धोऊँगी, फिर उसका खाना बनाऊँगी शाम का। अभी मैं जाती हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए, और देखो 4:05 हो चुके हैं, ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगी थोड़ी देर में। थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो कमर के साथ ना थोड़ा आराम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम आराम नहीं करेंगे तो फिर कमर की बैंड बजती है इसलिए थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करूंगी, क्योंकि इस जगह की जो साफ सफाई है ना बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब आज का दिन तो नहीं होगा, देखो आज का दिन था जो मेरा क्लीनिंग का दिन था, आज मैंने क्लीनिंग किया, और अभी मैं घर का जो घर काम होते हैं वो सब करूँगी, और थोड़ा बहुत जो DIY है वो भी बनाऊँगी, तो वो रात को बनाऊँगी, क्योंकि भाई मेहनत ही सब कुछ होती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हर काम में मेहनत होती है, कोई आपको ऐसे मतलब क्या मतलब आप समझ जाओ मेरी भावनाओं को, मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो बस मेहनत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो तरक्की होगी तो अच्छा लगेगा, नाम होगा, तो बस इसी तरीके से मैंने अब सोचा है कि मेहनत करनी है। सो दोस्तों एक बात कहूँ दिल से, जब मैं ये काम कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी जितना साफ सफाई का ध्यान हम लोग खुद रखते हैं ना, वो हेल्पर इतना नहीं रख पाते हैं। हमारे हाथों की सफाई हमारे हर एक कोने को ऐसे दर्शाता है जैसे मानो शीशा चमक रहा हो। कितना भी आप घर में काम वाली रख लो, हेल्पर रख लो, मतलब जो बोलते हैं, लेकिन जो चीज़ हम अपने हाथों से करते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता अपने घर को चमकाने में। तो इसी तरीके से अभी शाम के खाने की बनाने की तैयारी चल रही है मेरी। तो दोस्तों मैंने 11-12 करीब मैंने दाल भिगो के रखी थी, 2 मसूर की दाल थी और 1/2 चने की दाल थी, तो इसको मैंने धोकर भिगो कर रख दिया था। और अब जो मैं बनाने जा रही हूँ ये एक बंगाली रेसिपी है, और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर करी है अपने इस ब्लॉग चैनल पर। तो दाल को जब पूरा पीस लेती हूँ, लास्ट में जब थोड़ी दाल बच जाती है तब उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, अपना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के मैक्सिमम इसे पीस लेना है, और पीस कर बहुत अच्छा सा मतलब पेस्ट रेडी करना है हमें, और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी है, और बहुत अच्छे से इसे पीस कर जो बची जो पहले की दाल पीसी हुई थी उसमें मिक्स कर लेना है। जैसे हम केक बनाते हैं ना बस उसी तरीके का प्रोसेस है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन ले रखा है और उसमें तेल लगाया, और ये सारा जो दाल का पेस्ट है ये इसमें डाल दूँगी, और फिर बाद में मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ा के रखा हुआ है, और कुकर में इसको भाप से हम पका लेंगे। तो मीडियम आंच पर इसे मैं पका लूँगी, और मैंने 5 सीटी के लगभग लगाया था, और बहुत अच्छे से ये पक गई। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है, मेरी फेवरेट है, मेरी मम्मी बनाती हैं और उन्हीं से ही सीखा है मैंने ये रेसिपी। कुकर होने देते हैं, यहाँ सब रेडी करके रख दिया है, इसको ढक के रख देती हूँ क्योंकि अभी खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको अभी ढक देते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है, यहाँ थोड़ा सा फैलावा हो गया, ये बाद में समेटूंगी, ठीक है। तो अब मैं सब जगह की लाइट लगाती हूँ, अंधेरा हो चुका है, और अभी बज गए हैं 5:25, ये देखो, ठीक है। और इस जगह को अभी देख लेते हैं सूखा कि नहीं, वाह अभी सब सूख चुका है अच्छे से, बहुत गंदा था फ्रेंड्स, इतना गंदा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं,
ये देखो सब साफ सफाई हो चुकी है अभी, बहुत सारी चीज़ें। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इसका मैं DIY करने वाली हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक का है ना, तो ये यहाँ पर रखते हैं ना तो लुढ़कने की तरह लुढ़क जाता है, तो इसको ना मैंने सोचा है कुछ करने का, तो देखते हैं। वॉशिंग मशीन भी क्लीन करनी है, थोड़ी बहुत तो कर ली है मैंने, अंदर से भी क्लीन करनी है, यहाँ सारा सामान पड़ा है, सब समेटना है। तो चलो अब थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। आज डाइनिंग टेबल भी साफ़ करना रह गया, बाकी तो सब पूरा झाड़ू पोछा लग चुका है, बस इतना ही। सॉर, लाइट लगाते हैं। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। दोस्तों देखो कितना अच्छा बना है, टेस्टी बना है, यम्मी बना है, और इसको आप ऐसे भी खा सकते हो, और बहुत से लोग शैलो फ्राई करके भी खाते हैं, तलकर खाते हैं, और ये अपनी अपनी ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर मिक्सर में मैंने हरी मिर्ची और टमाटर और लहसुन अदरक को पेस्ट बना लिया था, और यहाँ पर ये सारे जितने भी, इसको पकौड़े बोलेंगे क्या बोलेंगे, जो भी आप ना समझो, तो इसको हम इसमें मैं फ्राई कर ले रही हूँ हल्का हल्का। और फ्राई करने से क्या है, सब्ज़ी में थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है और अच्छा लगता है। और आज घर में सब्ज़ी भी नहीं थी, इसीलिए मैंने ही रेसिपी बनाई। जब सब्ज़ी नहीं हो ना तो ये झटपट वाली रेसिपी है, दाल से बहुत अच्छी और यम्मी बनती है। तो यहाँ पर अभी तेल, उसी कढ़ाई में तेल और थोड़ा सा ऐड किया, और उसका जीरा, तेज़पत्ता, प्याज ये डालकर भुनेंगे, और गरम मसाला डालेंगे लाइक दालचीनी थोड़ी सी, दो इलायची, और मैंने 4 लौंग, और थोड़ा सा चीनी डालेंगे इसमें। चीनी एज ए कलर के तौर पे आ जाता है, मीठा नहीं करना है सब्ज़ी को, याद रखिएगा। और फिर जब ये प्याज वगैरह अच्छे से भुन जाएगा, फिर इसमें हम जितने भी सूखे मसाले होते हैं, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के मसाले को भूनेंगे मीडियम आंच पर, और मिक्सर में थोड़ा पानी था उसमें थोड़ा डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं, और तेल छोड़ने तक इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। कच्चापन बिल्कुल नहीं रखना है, अगर कच्चा रह गया तो सब्ज़ी में फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने बहुत अच्छे से मसाले को भून लिया, उसके बाद हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। और जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाओ तो उसमें गर्म पानी ऐड करो तो सब्ज़ी का स्वाद ही बढ़ता है, ठंडा पानी से मैंने देखा है। इसी वजह से इस केटल को मैंने ख़रीदा है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ मेरे लिए बहुत आसान हो गया ये केटल के वजह से, गर्म पानी मुझे तुरंत मिल जाता है, पहले मुझे भगोने में इधर साइड में चढ़ाना पड़ता था, तो केटल आने से मेरे लिए बहुत सुविधा हो गई है। और अब मैंने इसमें नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, और बस अब इसे बॉईल होने देंगे, और थोड़ी सी खुरचन जो थी उसमें मोल्ड में लगी हुई वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी, थोड़ा सब्ज़ी में गाढ़ापन आ जाएगा। और देखो फरमाइश आ गई कि हमें भी दे दो तो मैंने आपको कहा ना आप ऐसे भी खा सकते हो, तो मैंने थोड़ी सी सेजवान चटनी के साथ हस्बैंड को और बेटे को 3-3 पीस निकाल दिए मैंने, और बाकी के सारे इसमें डाल दिए, मैंने अपने लिए एक पीस ले लिया। तो इस तरीके से ये सब्ज़ी बनकर तैयार है, और बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप भी ट्राई करो, बनाओ, खाओ, मस्त रहो, बहुत आसान सी रेसिपी है ये। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग क्लीनिंग के साथ, तो मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी ही। उस जगह का मेकओवर आज रात को ही करना है, और वो आपको मुनमुस क्रिएटिविटी में देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने आज खाना जो है बहुत जल्दी बनाया आज का। और अभी बज जाएंगे 9 थोड़ी देर में, 9 बजे के बाद मैं अपने सीधा DIY करूँगी, और उस किचन मतलब जो सीढ़ी के नीचे का मेकओवर करूँगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।